हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1A। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट जो भी एक सेट होता है उसके अंदर अगर दूसरा सेट आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सबसेट। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसेट को डिनोट कहते हैं, सबसेट को डिनोट करते हैं ये साइन से, ये सी का साइन है जिससे हम लोग सबसेट को डिनोट करते हैं। और इसके नीचे एक ऐसा लकी होता है जिससे हम लोग सबसेट को डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। तो लाइक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सेट का। ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट लिख रहे हैं 1, 2, 3। ओके, अब एक और सेट लेते हैं बी। बी सेट के अंदर हम लोग लेते हैं एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, मैंने ये दो सेट लिया है, ए सेट और बी सेट। अब यहाँ पर मैंने अगर फाइंड करना चाहूंगा कि जो इसका सबसेट क्या है, मीन्स बी का सबसेट क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो ए सेट है वो सबसेट है बी का। ओके, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जो ए सेट है वो बी का सबसेट है, बिकॉज जो भी बी सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में से ए का सारा एलिमेंट आ जा रहा है। मीन्स बी के अंदर 1 है जो कि ए में भी है, बी के अंदर 2 है जो कि ए में भी है, और बी के अंदर 3 है जो कि ए में भी है। मीन्स ए का सारा एलिमेंट हम लोग को बी के अंदर मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। और इसमें एक और चीज हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ ए है, 3 एंड नंबर ऑफ बी कितना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें है 1, 2, 3। यानी ए के अंदर, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। मीन्स ये ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, और इसको ये हटने के बाद इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। तो ये जो ए प्रॉपर सेट है बी का। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि दो सेट के अंदर एक सेट आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सेट ऑफ बी। प्रॉपर सेट ऑफ बी कब बोलेंगे? जब इस ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आएगा, और साथ ही साथ ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए इक्वल टू बी नहीं हो रहा क्योंकि ए में 1, 2, 3 है और बी में 1, 2, 3 तो है ही, बट एक्स्ट्रा में 4 और 5 भी है। मीन्स यहाँ पर ए इक्वल टू बी नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सबसेट क्या होगा। ओके, तो एग्जाम्पल 2 हम लोग लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए। ए के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1, 2 एंड 3। एक और सेट लेते हैं बी। बी के अंदर हम लोग एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 3। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भी ए का एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट है बी का। ए जो है वो बी का सबसेट है। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को देखेगा कि ए इक्वल टू बी है, बिकॉज ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। ए में भी 1, 2, 3 है और बी में भी 1, 2, 3 है, यानी ए इक्वल टू बी है। तो ए इक्वल टू बी है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक साइन लगाएंगे, और ये साइन किसका है? टोटल साइन है, सबसेट का साइन है। मीन्स ये सबसेट का साइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट है, बिकॉज ए और बी दोनों बराबर भी है और साथ ही साथ ए का जो भी अंदर एलिमेंट है वो बी में मौजूद है। इसको एक और तरीका से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी जो है वो सबसेट है ए का, बिकॉज ए सबसेट अगर बी का है तो बी भी सबसेट ए का होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का जो अंदर एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए के भी अंदर मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी जो है वो सबसेट ही ए का। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से कुछ और सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 3 एन। तो एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर का तो रेंज आपको पता होगा 1 से इनफाइनाइट तक। देन अगर हम लोग होल नंबर लेंगे तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर अगर हम लोग रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो 0.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1/2 भी होगा, 4 भी होगा, -5 भी होगा, सारे नंबर आ जाएंगे रियल नंबर में। अगर हम लोग बात करेंगे क्यू मतलब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर 1/2 होगा, 3/4 होगा, 5/3 होगा, ये सब रेशनल नंबर होगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे इंटीजर का, मीन्स जेड का, तो जेड भी आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी ये माइनस में भी नंबर होगा इंटीजर में, प्लस में भी होगा और जीरो भी होगा। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें हम लोग सबसेट का फॉर्मूला को लगाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसेट बना सकते हैं कैसे?
तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि जो रियल नंबर है इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, तो जो रियल नंबर है वो रियल नंबर है वो सबका प्रॉपर सेट होगा। सबका क्या होगा? प्रॉपर सेट, यानी नेचुरल नंबर का भी प्रॉपर सेट होगा रियल नंबर, रियल नंबर जो है वो होल नंबर का भी प्रॉपर सेट होगा, क्योंकि होल नंबर का जितना भी एलिमेंट्स है वो रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा। नेचुरल नंबर के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है वो भी रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा। फिर हम लोग एक और प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं किसका? रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर भी होगा प्रॉपर सेट ऑफ रियल नंबर। फिर हम लोग इसका भी बना सकते हैं इंटीजर, यानी इंटीजर भी प्रॉपर सबसेट किसका होगा? रियल नंबर का। यानी रियल नंबर का जितना भी नंबर है वो सारा प्रॉपर सेट होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे होल नंबर का, तो जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर वो होल नंबर के अंदर मौजूद है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, और होल नंबर भी, होल नंबर में भी सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा और एक्स्ट्रा जीरो भी आ जाएगा। इसलिए नेचुरल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर सेट ऑफ होल नंबर। ओके, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर है इंटीजर। तो इंटीजर जो है इसमें जीरो भी आ रहा है, 1, 2, 3, यानी ये पूरा किस चीज का नंबर से? ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी पूरा जो भी होल नंबर के अंदर एलिमेंट है वो इंटीजर के अंदर आएगा। यानी होल नंबर क्या होगा? प्रॉपर सेट ऑफ इंटीजर, मीन्स होल नंबर का जितना भी एलिमेंट है वो इंटीजर के अंदर मौजूद है। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के अंदर भी आ रहा है, बिकॉज अगर यहाँ जीरो को छोड़ देंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, तो वन से इनफाइनाइट तक क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर का भी प्रॉपर सेट बना सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर होगा प्रॉपर सेट ऑफ, सॉरी यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा प्रॉपर सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग नंबर का प्रॉपर सेट बना सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में आएगा रियल नंबर, और रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर सारा नंबर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट। तो कुछ सेट का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। एक सेट लेते हैं ए, ए के अंदर एलिमेंट लिखते हैं 1, 3, 5, 7। ओके, एक सेट और लेते हैं बी, बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, ये एट रैंडम एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूँ। फिर एक सेट और लेता हूँ सी, इक्वल टू 7 और 8। अब मुझे क्या लिखना है? ये तीनों सेट का, तीनों सेट का मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है वैसा सेट जिसके अंदर ये सारे सेट का एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट का इसका एग्जांपल होगा एक यू, कैपिटल यू, इसके अंदर एलिमेंट्स आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। यानी यूनिवर्सल सेट में मैंने जितना भी एलिमेंट लिखा है इसमें से अगर मैं सेट बनाऊंगा तो इसमें से ए भी आ जाएगा निकल कर बाहर, और बी भी आ जाएगा, साथ ही साथ सी भी आ जाएगा। यानी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम सेट का रेंज देखेंगे, सेट को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम लोग लिखेंगे एक्स का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू, एक्स जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए और एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा मैंने x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए और x का वैल्यू 1 से बड़ा। x क्या है यहाँ पर? x कोई सेट है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरह से करूंगा। मान लीजिए ये मैंने नंबर लाइन खींचो 0, -1, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, तो x क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा सर्कल से, और यहाँ एक x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स 1 से बड़ा, यानी x का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये मैं डार्क लाइन से मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर अगर मैं ये साइन दूँ इक्वल का, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि x जो होना चाहिए 5 से छोटा भी होना चाहिए और 5 के बराबर भी होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा तो मैं यहाँ पर 5 के टर्म में, 5 के साइड में इस डॉट को फिल कर दूंगा। पहले यहाँ इस डॉट में ब्लैंक था, ये सर्कल ब्लैंक था, अब ये सर्कल क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू है 5, x का वैल्यू जो है वो 5 भी होगा। ओके, अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर यहाँ पर मैं भी इक्वल टू का साइन दे दूंगा तो इस ये जो सर्कल है ये भी क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू 1 भी होगा। ओके, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था सेट का। तो अब हम लोग देखेंगे पावर सेट क्या होता है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं पावर सेट। एग्जांपल एक 6 लेते हैं, जिसके अंदर एक सेट लेंगे
सेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ए के अंदर मैंने तीन एलिमेंट ले लिया है 1, 2 एंड 3। अब ई का हम लोग को पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैपिटल पी ए। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या होगा? तो ए का पावर सेट होगा इसका सारा एलिमेंट। सारा एलिमेंट मतलब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो इसके अंदर अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा तो 5 लिखेंगे। 5 हर एक सेट का पावर सेट होगा, कंपलसरी है। 5 किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट हो या ना हो, 5 जो है वो होगा ही। तो 5 इसका पहला पावर सेट होगा। देन यहाँ पर 1 है, तो 1 को सिंगल में लिखेंगे, 1 एक पावर सेट है इसका। उसके बाद 2 को भी लिखेंगे, 2 भी पावर सेट है। फिर 3 को भी इंडिविजुअली लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद हम अब दो एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, लाइक 1 एंड 2। तो यहाँ पर आएगा 1, 2। ओके, फिर आएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3। फिर आएगा 1 एंड 3, 1 एंड 3। फिर लास्टली आएगा क्या, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये लास्टली क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये जो पावर सेट ऑफ ए है, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 5 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, देन 2 को कंबाइन करके मैंने लिखा 1, 2, देन 2, 3, देन 3, 1, देन लास्टली तीनों को कंबाइन करके लिखा 1, 2, 3। ओके, यहाँ पर अगर एक आपको डाउट होगा कि मैंने 1, 2 लिखा है और 2, 1 नहीं लिखा है, तो 1, 2 और 2, 1 दोनों सेम होगा, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अगर मैंने 1, 2 लिख चुका है तो मैं दोबारा 2, 1 नहीं लिखूंगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट आया है। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट्स आया है 8। और 8 को अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका निकल कर आएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ पर 2 टू द पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि 2 का पावर मैंने 3 लिखा, क्योंकि ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 3n एलिमेंट है। मीन्स अगर ए के अंदर n ऑफ a इक्वल टू क्या है, 3 है। मीन्स ए के अंदर एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। तो पावर सेट उसका क्या होगा, 2 टू द पावर 3। मीन्स अगर एक एग्जाम्पल और ले, नंबर ऑफ एक सेट है मान लीजिए b, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट के अंदर अगर कितना एलिमेंट आएगा वो पूछना, वो बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पावर सेट ऑफ b लिखेंगे 2 का पावर, जितना भी नंबर ऑफ p में एलिमेंट है, यानी 4 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 क्या आएगा, 16। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी में कितना एलिमेंट आएगा, 16 एलिमेंट आएंगे। अब एक और सेट का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग समझेंगे कि इक्वल सेट किसे कहते हैं। तो लाइक एक एग्जांपल लिए है, एग्जांपल 8, एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। एक और एग्जांपल लेते हैं एक सेट का जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी एन ऑफ ए। एन ए क्या निकलेगा, ए के अंदर ए जो सेट है उसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ इसका वैल्यू होगा 3। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के अंदर कितना एलिमेंट है, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। अब क्या देखना है हम लोग को, कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो उसका वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3 और बी के अंदर भी 1, 2, 3, यानी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, और उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, इक्वल सेट। ओके, तो इक्वल सेट और सबसेट सेम होता है। लाइक अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो ए है वो सबसेट है बी का, मींस ए के बी के अंदर ए का सारा एलिमेंट आ जा रहा है, बी के अंदर ए का जो सारा एलिमेंट है वो आ जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का। इसके साथ ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी है सबसेट ऑफ ए, यानी बी भी ए का सबसेट है, यानी बी ए के अंदर सारा एलिमेंट, ए जो सेट है उसके अंदर बी का सारा एलिमेंट आ जा रहा है, ए जो सेट है जिसके अंदर बी का सारा एलिमेंट आ जा रहा है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी जो है वो सबसेट है ए का। तो इस तरह से हमने पावर सेट के बारे में देखा, इक्वल सेट के बारे में देखा, सबसेट के बारे में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।